हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सेहत पसंद रेसिपीज में। हमारे भारत में कई तरह के हलवे बनाए जाते हैं जो कि वर्ल्ड फेमस होते हैं, और आज मैं आपके साथ लौकी के हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही टेस्टी तो होता ही है, साथ ही साथ बहुत ही हेल्दी होता है, और इसे आप व्रत में भी बना के खा सकते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और इजी रेसिपी है, तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए चाहिए हमें ये इंग्रेडिएंट। यहाँ पर ये मैंने 750 ग्राम लौकी ली है, इसके छिलके निकाल लेते हैं। और अब इसे 6-7 इंच की लंबाई में गोल काट लेते हैं, जिससे इसको किसना आसान रहे। इसे अब किस लेते हैं, तो इसके बीज को हमें नहीं किसना है, नहीं तो हलवा उतना अच्छा टेस्टी नहीं लगेगा। बीज तो बीज को हम हटा देंगे, तो उसके लिए हम सीधा इस तरीके से आपको नहीं किसना है, इसके लिए इसको आप आड़ा इस तरीके से किसे और इसको घुमाते हुए किसेंगे, जिससे कि बाहर की आउटर लेयर किसा जाए और बीज के भाग को हम हटा दें। इस तरीके से इसे किस लेते हैं। ये देखिए, सभी लौकी किस ली है और मेरी लौकी में पानी ज्यादा है, इसलिए इसे हल्का सा दबाकर इसका पानी निकाल लेते हैं। ज्यादा नहीं निकालेंगे, नहीं तो ये बहुत ड्राई हो जाएगी। तो अगर लौकी में पानी हो तो आप निकाल लें, अगर आपकी लौकी में पानी कम है तो आप इसे ना निकालें। इस तरीके से थोड़ा पानी निकाल के रख देते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई गरम रख दी है, इसमें डाल देते हैं लौकी, ये करीबन 3 कप है, और डाल देते हैं 1 बड़ा ग्लास दूध, और इसे मिक्स कर लेते हैं। और इसे मैं ढक देती हूँ, और ढक कर इसे 8 से 10 मिनट तक हम पकाएंगे, जिससे कि ये अच्छी सॉफ्ट हो जाए और ये पक जाए। और बीच बीच में आपको इसे हिलाते रहना है, जिससे कि ये चिपके नहीं। अब 10 मिनट हो चुके हैं, लौकी अच्छी सॉफ्ट हो चुकी है, तो इसे अब 4 मिनट हम और पकाएंगे। साथ ही साथ मावे को भून लेते हैं, इसके लिए एक और कढ़ाई रख ली है, इसमें डाल देते हैं 1 कप मावा, करीबन ये 200 ग्राम मावा है, और इसे लाइट ब्राउन होने तक हमें भूनना है। तो बीच इसमें आप लौकी के हलवे को भी हिलाते रहें और मावे को भी चलाते रहें। ये देखिए, लौकी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, और करीबन इसे मैंने 15 मिनट पकाया है। अब इसमें डाल देते हैं 1.5 कप शक्कर, करीबन ये 250 ग्राम है, और इसे मिक्स कर लेते हैं। और बीच में अब इस मावे को भी हिलाते रहें। शक्कर डालने के बाद ये हलवा पानी छोड़ने लगा है, तो अब इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक ये पानी कट नहीं जाता। मावा यहाँ देखिए, इसका कलर लाइट ब्राउन हो चुका है, तो इसे बंद कर देते हैं। और ये देखिए, लौकी का हलवा भी तैयार हो चुका है, इसका पूरा पानी खत्म हो चुका है। इसमें डाल देते हैं 1 बड़ा चम्मच घी, और अब डाल देते हैं इसमें भुना हुआ मावा। और ये यहाँ पर 6-7 इलायची को मैंने पीस लिया है, और 8-10 बादाम काट लिए हैं, और 8-10 काजू है ये भी काट लिया है। तो ये ड्राई फ्रूट्स और इलायची डाल देते हैं, और इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। करीबन 3 से 4 मिनट आपको और पकाना है हलवे को।
ये देखिए हमारा हलवा तैयार हो चुका है और मेरे किचन में तो उसकी खुशबू हर तरफ फैल चुकी है। इसे आप प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसे आप ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लें और इसे आप गरम गरम सर्व कीजिए। लौकी बहुत ही कम लोगों को पसंद आती है, पर इसका हलवा सभी को बहुत पसंद आएगा, तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और साथ ही साथ इसके पोषक तत्वों से शरीर को ऊर्जा प्रदान करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए। थैंक यू।